नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इस क्रिकेट बुलेटिन में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि पांच ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो कि बनने आए थे बल्लेबाज लेकिन बन गए महान गेंदबाज। दोस्तों वह कौन से खिलाड़ी है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन दोस्तों आप वीडियो एंड तक देखना, और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, यह वाक्य कई खिलाड़ियों के करियर पर भी लागू होता है। ऐसा ही हम इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रिकेट जगत में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हुए हैं, बल्लेबाज बनने आए थे लेकिन किस्मत ने उन्हें गेंदबाज बना दिया। वो भी कोई ऐसा वैसा गेंदबाज नहीं, क्रिकेट जगत में अब वो खिलाड़ी महान गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं ऐसे ही पांच खिलाड़ियों के बारे में जो बनने आए थे बल्लेबाज लेकिन बन गए महान गेंदबाज। तो दोस्तों सबसे पहले खिलाड़ी है सर रिचर्ड हेडली। दोस्तों न्यूजीलैंड के इस पूर्व खिलाड़ी का नाम महानतम खिलाड़ियों में शुमार होता है। रिचर्ड हेडली को विश्व के महानतम गेंदबाजों में गिना जाता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिचर्ड ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैट्समैन की थी, लेकिन बाद में उन्हें गेंदबाजी में हाथ आजमाया और तब से वह गेंदबाजी में झंडे गाड़ने लगे। और दोस्तों रिचर्ड हेडली ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 400 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बने थे। हेडली ने 115 वनडे मैचों में 158 खिलाड़ियों का विकेट चटकाया था। वही 86 टेस्ट मैचों में उन्होंने 431 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा था। बतौर बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में वह 2 शतक और 15 अर्धशतक जमा चुके हैं। वनडे में उनके नाम 4 शतक भी शामिल है। दोस्तों इसके बाद दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो दूसरे खिलाड़ी है ड्वेन ब्रावो। वर्ल्ड क्रिकेट में डेथ बॉलर के नाम से मशहूर ड्वेन ब्रावो ने करियर की शुरुआत बल्लेबाज के तौर पर ही की थी, लेकिन ब्रावो ने गेंदबाजी में कमाल करना शुरू कर दिया और आज वो एक गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो ब्रावो बल्लेबाजी में भी बढ़िया करते हैं, लेकिन गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन कमाल का रहा है। ब्रावो ने 40 टेस्ट मैचों में 86 विकेट चटकाए हैं, 2200 रन बनाए हैं। वनडे की बात करें तो ब्रावो ने 164 मैचों में 199 विकेट हासिल किए हैं, जबकि 2968 रन बनाए हैं। T20 की बात करें तो 86 मैचों में उन्होंने 76 विकेट लिए हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे खिलाड़ी है रविचंद्रन अश्विन। भारत के फिरकी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने भी अपने करियर की शुरुआत बतौर बल्लेबाज के रूप में की थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक टॉप स्पिनर बना दिया और इस समय रविचंद्रन अश्विन भारत के टेस्ट स्पेशलिस्ट गेंदबाज बन चुके हैं। अश्विन ने अब तक खेले गए 79 टेस्ट मैचों में 413 विकेट चटकाए हैं और 2685 रन बनाए हैं। वहीं वनडे क्रिकेट की बात करें तो 111 वनडे मैच खेले हैं, अश्विन ने 150 विकेट लिए हैं, इसके अलावा 675 रन बनाए हैं। T20 क्रिकेट की बात की जाए तो अश्विन ने 46 मैचों में जिसमें उन्होंने 52 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं रविंद्र जडेजा। दोस्तों रविंद्र जडेजा को आज एक ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है, खासकर उन्हें टीम में बतौर बाएं हाथ स्पिनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जडेजा ने भी अपने करियर की शुरुआत बल्लेबाज के रूप में की थी, लेकिन अब वह भारतीय टीम के एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज बन चुके हैं। जडेजा ने अब तक खेले गए 53 टेस्ट मैचों में 221 विकेट चटकाए हैं और बल्ले से 2041 रन बनाए हैं। वनडे में जडेजा ने 168 मैच खेले हैं और 188 विकेट चटके हैं और 2411 रन बनाए हैं। T20 की बात की जाए तो T20 में उन्होंने 50 मैच खेले हैं और 39 विकेट चटकाए हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवें खिलाड़ी है अजीत अगरकर। एक समय था जब अजीत मुंबई क्रिकेट फील्ड में सचिन के साथ अपनी बल्लेबाजी की वजह से अखबारों में सुर्खियों में बने रहते थे, लेकिन जब उन्हें भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला तो वह गेंदबाज के रूप में कमाल दिखाया। अगरकर ने अपने करियर का अंत बतौर गेंदबाज के आंकड़ों के साथ किया। भारतीय टीम में अजीत अगरकर मध्यम गति के तेज गेंदबाज समझे जाते हैं। अजीत ने भारत के लिए 191 वनडे मैच खेले हैं और 288 विकेट चटकाए हैं। अजीत ने 26 टेस्ट मैच खेले हैं और 58 विकेट चटकाए हैं। बल्लेबाजी के तौर पर वह 3 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं, टेस्ट मैच में वह 1 शतक भी जड़ चुके हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा।